ग्वालियर में शनिवार शाम को हेलीकॉप्टर द्वारा राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल एयरपोर्ट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। इसके बाद सीएम कैंसर अस्पताल के सभागार में बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा की शोक सभा के कार्यक्रम में पहुंचकर उन्हें पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, राकेश शुक्ला, माया सिंह सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल होने पहुंचे थे। झा के ग्वालियर के आज श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने का मौका मिला। हम सब जानते हैं कि प्रभात जी का प्रारंभिक जीवन पत्रकार का, समाज सेवा का, राजनीतिक क्षेत्र का उदय हुआ तो वो ग्वालियर क्षेत्र था। यद्यपि वो मूलतः रहने वाले दरभंगा बिहार के थे, लेकिन जिस प्रकार से वो जीवन जिए, सभी दायित्वों का, राज्यसभा प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या पत्रकार, हर एक क्षेत्र में पूरी दक्षता के साथ उनने पूरा जीवन गुजारा। मैं आज सभी मित्रों के साथ, सभी हमारे माननीय मंत्रीगणों के साथ श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुआ। बाबा महाकाल से कामना है, उनको मोक्ष प्रदान करें।